डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए। आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कीजिए। ज्योतिष सीखें और राशियों के क्रम में आज हम दर्शकों को तुला राशि के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। तुला राशि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तराजू का संकेत होता है। शुक्र देव आपके राशि के स्वामी होते हैं। शुक्रवार का दिन आपके लिए शुभ दिन के रूप में माना जाता है। चमकीले यानी सिल्वर और गोल्डन रंग आपके लिए भाग्यशाली रंग के रूप में होते हैं। सफेद रंग का इस्तेमाल भी तुला राशि के जातक कर सकते हैं। शुक्र देव की पूजा अर्चना से तुला राशि के जातकों को बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। दिखने में अत्यंत आकर्षक और काफी ज्यादा रूपवान, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता इनमें होती है। तुला राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। अपनी शिक्षा और अपनी बुद्धिमता के आधार पर जीवन में ये ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तुला राशि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ज्यादा नपे तुले अर्थात इनमें कठोरता विद्यमान होती है। ये बहुत ज्यादा भावुक नहीं होते हैं। ये किसी भी कार्य को बहुत सोच समझ करके करते हैं। किसी भी निर्णय को लेने के पहले उस विषय पर ये बहुत ज्यादा मंथन करते हैं और बहुत ज्यादा सोच विचार करने के उपरांत ही ये किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। इन्हें ऐसे कार्य जिन कार्यों में बुद्धिमता का प्रयोग होता है, उन कार्यों से इन्हें आर्थिक लाभ होता है। ये अच्छे व्यापारी हो सकते हैं या सर्विस में ऊंचे पद पर कार्य कर सकते हैं। शासकीय सेवा की दिशा में भी तुला राशि के जातक प्रयास कर सकते हैं। राजनीति में भी ये सफलता को हासिल करते हैं। अपने कार्यों के आधार पर समाज में पूजनीय होते हैं। शनिदेव इनके लिए बहुत शुभ ग्रह के रूप में माने जाते हैं। तुला राशि के जातकों को सदा भगवान शनि देव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। यदि तुला राशि के जातकों को भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त हो गई तो ये जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। पीले पदार्थों का दान इन्हें गरीबों को करना चाहिए, क्योंकि पाचन तंत्र से संबंधित कुछ परेशानियां इनको परेशान कर सकती हैं। बेसन बूंदी के लड्डू, पीली दाल, पीले वस्त्रों का गरीबों को यदि ये दान करते हैं तो अपने जीवन की समस्याओं को ये कम कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों को हरा रंग भी प्रिय होता है और ये हरे अथवा हरे मिश्रित रंगों का इस्तेमाल करके अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। जलीय क्षेत्र इन्हें बड़ा प्रिय होता है। नदी, तालाब, समुद्र का ये बहुत ज्यादा शौक रखते हैं।
समुद्र के किनारे स्नान करना या नदियों झरनों में स्नान करना इन्हें बहुत प्रिय लगता है। तुला राशि के जातकों का शासकीय कार्यों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। यदि सूर्य भगवान इनकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है तो इन्हें निसंदेह शासकीय सेवा की प्राप्ति होती है। तुला राशि के जातक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं और ऐसे कार्यों में इन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। तुला राशि के जातक शुक्र देव के मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, यदि इस मंत्र का जाप करते हैं और शुक्र देव की पूजा अर्चना करते हैं तो इन्हें जीवन में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। ज्योतिष सीखें और राशियों के क्रम में मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी के लिए आने वाले समय में और भी राशियों की चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।